ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन 13 से 18 जनवरी तक किया जा रहा है। आज 17 जनवरी है और ऑटो एक्सपो का 5वां दिन आज देख सकते हैं। अगर बाकी हम 4 पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 4 दिनों के मुकाबले आप भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। शायद आज वीकली वर्किंग डेज है इसलिए भी भीड़ कम है। पिछले 4 दिनों में काफी भीड़ ऑटो एक्सपो देखने आई है। जैसा कि आपको बताते इस बार ऑटो एक्सपो में 15 गेटों से एंट्री की जा रही है और 15 हॉल बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे ईवी एथेनॉल पेट्रोल इत्यादि के कार्स वाहन आदि शोकेस किए जा रहे हैं। अलग अलग पवेलियन में टाटा मोटर्स हुंडई किया की गाड़ी आई है और कुछ बाइक आई है, कुछ साइकिल्स भी हैं और साथ ही यहाँ आने वाले विजिटर के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे फूड कोर्ट बनाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं और बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। साथ ही शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है और पूरा ये एक्सपो सीसीटीवी की निगरानी में किया जा रहा है, साथ ही चेकिंग भी की जा रही है। ये हॉल नंबर 8 है। यहाँ पे मोस्टली बाइक्स और साइकिल्स के पवेलियन बनी हुए हैं और आपको लोग यहाँ आते जाते दिखाई दे रहे होंगे।